नमस्कार, लेट्स कुक समथिंग में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं कच्चे केले का चाट बना रहे हैं। तो ये चाट जो है मेरा काफी अच्छा बन के तैयार होता है। इसे हमने बनाया हमारे घर में, हर किसी को पसंद आया तो सोचे आपके साथ भी शेयर करें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आप काफी चीज मिस कर जाएंगे। चैनल पर ना है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इससे ये होगा हम जो भी लेटेस्ट वीडियो डालेंगे उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए धन्यवाद। कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसा लगा है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने कच्चा केला लिए, चार हमने कच्चा केला लिए। तो आज है हम केला का बिल्कुल अलग तरीके का डिश बनाएंगे, काफी अच्छा टेस्टी बनके तैयार होगा। तो इस केला को है चाहे आप भगोना में अगर उबाल रहे हो तो 10 मिनट के लिए उबाल लें, या कुकर में एक सीटी लगा के गैस बंद कर दें। तो हमने कुकर में डाले हैं, तो कुकर में ज्यादा पानी ना डालें, केला के नीचे ही पानी रहना चाहिए। अब इसको हम बंद करेंगे और एक सीटी लगाने के बाद हम गैस बंद करेंगे। तो हमने केला को एक सीटी लगाने के बाद हमने गैस बंद कर दिए थे। अब इसको हमें क्या करना है, छील लेना है। देखिए इस तरह से हमें इस केला को छील लेना। इसका जो है काफी अच्छा टेस्टी बन के तैयार होगा। अगर आप बनाएंगे तो हमेशा बनाना पसंद करेंगे, आपके घर में हर किसी को पसंद आएगा। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो काफी चीज जो है मिस कर जाएंगे। ज्यादा हमें केला को नहीं उबालना है, हल्का सा जो है ये हार्ड ही रहना चाहिए। तो इसीलिए हम बोले आपको एक सीटी लगा के गैस बंद कर दें। प्रेशर खत्म होने के बाद इसे हमने निकाल लिए हैं। तो हमने केला को छील लिया। अब हमें इसको क्या करना है, कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें इसको थोड़ा बड़े बड़े पीसेस में, अगर ये बड़ा साइज का केला था तो इसको हमने चार पीस में कर लिए, छोटा हो तो तीन कर ले, या फिर इस तरह से हमें कट करना है। ये देखिए ये सारे जो हमें इस तरह से कट कर लेना है। बिल्कुल अलग तरीके से हम बनाएंगे और काफी अच्छा ये बन के तैयार होगा। अगर चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इससे ये होगा हम जो भी लेटेस्ट वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो ये देखिए सारे हमने कट कर लिए हैं। तो हमने तेल गरम होने के लिए रखा है, तेल गरम हो गया है। और ये जो हमने केला को जो कट करके रखे हैं तो इसमें हमें क्या करना है, एक एक करके केला को हमें इसमें डाल देना है। तो एक और जितना उतना डाल दें। ये मेरे सारे आ गया, इसको हम इसमें डाल दिए हैं और इसको हमें फ्राई करना है। इसको हमें दूसरे साइड से भी पलट देना है, अच्छी तरह से हमें चारों ओर से जो है इसको हमें फ्राई करना है। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे तो काफी चीज मिस कर जाएंगे। तो इसको जो है हमने फ्राई कर चुके, देख सकते हैं आप, ज्यादा जो है हमें नहीं फ्राई करना है। ये देखिए इस तरह से हमें रखना है, इससे ज्यादा हमें फ्राई नहीं करना, हल्का हमें इसको फ्राई करना है। अब गैस बंद करेंगे और इसको हम निकाल लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसे हमने निकाल लिए फ्राई करके, देख सकते हैं ज्यादा हमें नहीं करना है फ्राई, बिल्कुल ही इसे हल्का करना है। इस तरह से ही हमें रखना है, हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए उसके बाद हमें इसको निकाल लेना है। अब हमें क्या करना है वो हम आपको बता रहे हैं। अब इसको हम लेंगे और इस तरह से हमें जो है इसको, ये देखिए इसको रखेंगे इस तरह से, किसी से कटोरी गिलास किसी भी चीज से जो है हमें इसको दबा देना है, इस तरह से कस के दबाना। ये देखिए इस तरह से इसे हमें कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमें सारे दबा लेना है। इसको देख सकते हैं इस तरह से हमने दबा रहे हैं, देखिए इस तरह से बन के तैयार हो जा रहा है। इसको हम इस तरह से दाब दे रहे हैं, तो जैसे हम आपको बताए हैं, ये देखिए तो इसी तरह से हमें सारे तैयार कर लेना है। अब हमें क्या करना है, इसमें ये जो हमने करके रख तैयार करके रखे हैं इसे हमें इसमें डाल देना है एक एक करके। इससे क्या होता है काफी अच्छा और ये क्रिस्पी जो है मेरा ये बन के तैयार होगा। एक बार में जितना है उतना हमें इसमें डाल देना है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिए, स्किप कीजिएगा तो आप काफी चीज मिस कर जाएंगे। अब इसको हम दूसरे साइड से पलट दे रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और काफी अच्छा ये बन के तैयार होगा। थोड़ा धीरे से हमें इसको करना है क्योंकि ये टूट ना जाए,
बिखरने का डर है और कोई दिक्कत नहीं है। ये काफी अच्छे एकदम क्रिस्पी, बिल्कुल ही मार्केट के जैसा ये बन के तैयार हो। देखिए इसको हमें जो है अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, एकदम क्रिस्पी हो गया ये। अब इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे। आपको दिख रहा होगा इसका कलर कितना अच्छा आया है, काफी अच्छा इसका कलर आया है, बिल्कुल ही ये क्रिस्पी हो गया। इसको थोड़ा देर इस तरह से रखेंगे, जो भी तेल होगा ये निकल जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम इसे निकाल के थोड़ा देर साइड में रखेंगे, इससे ये होगा इसमें जो भी तेल होगा वो निकल जाएगा। और इसी तरह से हमें क्या करना है, सारे फ्राई कर लेना है। तो इसे हमने फ्राई कर लिए हैं, आपको हम दिखा दें। ये देखिए काफी क्रिस्पी ये फ्राई हुआ है, ये देखिए कितना क्रिस्पी है तैयार हुआ। अभी हमें क्या करना है, इसका मसाला तैयार करना है। तब हमें इसमें मसाला डालना है, ये हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, ये हम डाल रहे हैं इसमें जीरा पाउडर। ये सारे चीज़ जो है आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं ये चाट मसाला। अब इसी समय हम इसमें डाल देंगे नमक, ये हम डाल रहे हैं इसमें खाने वाली नमक। अब ये हम जो आ रहे हैं सफ़ेद नमक, वो हम डालें सिंधा नमक यूज करते हैं, इसलिए आपको इस तरह से दिख रहा होगा। और ये हमने काला नमक डाल रहे हैं। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा आमचूर पाउडर। अब इन सारे चीज़ों को हमें मिला लेना है। और ये जो हमने तैयार किए हैं इसे हम इसमें डालेंगे, और इसको भी हम इस तरह से मिला लेना है। तो इसको हमने अच्छी तरह से मसाला में मिला लिया है। काफ़ी अच्छा टेस्टी जो है हम जो चाट बनाएंगे वो काफ़ी अच्छा ये बन के तैयार होगा। अब हमें क्या करना है, इसको हमें इस तरह से सेट कर देना है। काफ़ी अच्छा बन के तैयार होगा। अगर आप एक बार बनाएंगे इस तरह से चाट, तो आप हमेशा बनाना पसंद करेंगे। केला का जो है ये चाट जो हम बना रहे हैं, काफ़ी अच्छा टेस्टी तैयार होगा। आप एक बार बनाएंगे तो आप यकीन मानिए आप हमेशा बनाना पसंद करेंगे, आपको काफ़ी पसंद आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डाल दे रहे हैं ये हमने मटर का छोला बना के तैयार किए हुए हैं, तो इसका वीडियो हमने डाल चुके हैं। मटर का छोला और चने का छोला दोनों का वीडियो हम डाल चुके हैं। तो आप चाहे तो आपको जो भी पसंद आए, होता है काफ़ी लोगों का मटर से गैस बनता है, नहीं पसंद करते हैं, तो आप जो है चने का भी छोला बनाइए, मटर का जो भी है वो आप बना सकते हैं। तो हमने दोनों का वीडियो डाल चुका है। काफ़ी अच्छा ये जो है मेरा केला का चाट बन के तैयार हो रहा है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये हमने प्याज डाल दे रहे हैं। प्याज अगर नहीं खा रहे हो आप, तो आप प्याज को स्किप कर दें। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं टमाटर। अब हमें इसके ऊपर डाल देना थोड़ा सा, हम इस पर दही डाल रहे हैं। आप धनिया की चटनी या इमली की चटनी ये सब भी डाल सकते हैं, हम इस समय आपको नहीं डालना है, आपको हम बता दे रहे हैं। आप इसमें धनिया की चटनी, इमली की चटनी, जो भी चटनी आपको पसंद हो, या फिर दोनों डाल दे तो और अच्छा लगेगा, या इस तरह से भी बनाइए तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हमने डाल दिया, अब हमें इसमें चटनी डाल रहे हैं। ये इमली का है, लेकिन इसमें हमने टमाटर और इमली डाल के हमने इसका चटनी बनाया है, इसीलिए हम आपको बोले आप चाहे तो इसमें इमली की चटनी अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो वो आप डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डाल दे रहे हैं मिर्च। तो मिर्च भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको जैसा तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप मिर्च ले लें। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, चाट मसाला डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ये हमने चाट मसाला डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर हमें क्या करेंगे, नमकीन डाल देंगे। कोई भी नमकीन डाल सकते हैं, जो भी नमकीन आपके पास हो वो नमकीन डाल दें। तो मेरा चाट बनके तैयार है, काफ़ी अच्छा टेस्टी चाट बनके तैयार हुआ। इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। ये हमने कच्चे केले का चाट बनाया है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा, आपके घर में हर किसी को पसंद आएगा। अगर आप एक बार बनाएंगे हमेशा बनाना पसंद करेंगे। आप कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपके रेसिपी कैसा लगा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।